दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 कल मंडे के दिन कहाँ काम काज कर सकता है। तो दोस्तों, वन डे के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने एक ये रिवर्स एन पैटर्न बनाया है। अब इसकी हाइट्स अगर आप देखोगे तो 18,800 से लेकर अगर यहाँ तक है तो एक बहुत बड़ा डिप आप मार्केट में देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड लें। 3 मिनट के चार्ट पे हम समझते हैं। मंडे को अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इसके नीचे आ जाता है तो ये लेवल है आपका 18,410 का। 18,400 को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, 18,400 को मार्केट अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे और नीचे में हमारे 18,310 तक के 90 पॉइंट के टारगेट रहेंगे और हमारा एसएल रहेगा 18,460 का। 18,460 का एसएल रहेगा फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है तो। गैप डाउन हो अगर इसके 18,400 के नीचे, गैप डाउन की पोजीशन भी हम कर लेते हैं कि गैप डाउन अगर 18,400 के नीचे आता है तो भी इसके नीचे खुलता है लेकिन 310 से पहले पहले खुलता है, ठीक है। तो एक अपसाइड मूवमेंट की वेट करेंगे, फिर हम एक ट्रेड पुट साइड में लेंगे। अगर 310 के ऊपर और इसके बीच में, मतलब 18,350 के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है तो एक अप मूवमेंट, जितना अप मूवमेंट हो सकता है देखेंगे और फिर किस तरह की रेड कैंडल हम देखेंगे और उसके बाद में हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। और अगर इसके आसपास 18,410, 18,400, 18,390 के आसपास अगर खुलता है तो हम इमिडिएटली पुट की पोजीशन बना लेंगे। तो गैप अप की पोजीशन में, गैप अप आपके 18,600 के ऊपर खुलता है तो हम पुट की पोजीशन ही बनाएंगे। एक यहाँ पर टच करके वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, पुट की पोजीशन बनाएंगे गैप अप में 18,600 के आसपास पुट की पोजीशन। कॉल साइड में कल हम हाथ इग्नोर करेंगे और अगर कोई सेफर, अगर कोई कॉल लेना चाहता है तो ऊपर की साइड में एक 18,600 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उस वजह से 510 के ऊपर अगर निकलता है तो हम एक 50-60 पॉइंट की एक कॉल साइड में आप बैठ सकते हैं और इग्नोर करें तो बेस्ट रहेगा। गैप अप में भी पुट का है, गैप डाउन फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो भी पुट का है और गैप डाउन भी खुलता है तो एक अप मूवमेंट के बाद में फिर पुट की साइड में हम बैठेंगे। तो ये दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक